भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अंबेडकर साहब एक युद्ध दृष्टा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना को समर्पित किया जिसका लक्ष्य देश की उन्नति और सर्वजन कल्याण रहा है। उन्होंने आजीवन मानव अधिकारों की रक्षा, मानव की गरिमा के संरक्षण और समानता और न्याय की बात की। उनके विजन के कारण आज़ादी के बाद भारत ने तेज गति से प्रगति की है जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा है। बाबा साहब केवल संविधान के निर्माता ही नहीं थे, उन्होंने आर्थिक सामाजिक कई विषयों पर अपने विचार रखे जिनके विचारों से आज भी देश सशक्त और मजबूत हुआ है। बाबा साहब शोषित और वंचितों की अधिकारों की हमेशा बात करते थे। उन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए व्यापक संविधान में अधिकार दिए थे। उनके देश में एक ऐसा संविधान भेंट किया जो आज 70 वर्ष बाद भी हमारा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है और भारत के संविधान के कारण ही भारत का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। भारत में आज़ादी के बाद लोकतंत्र के अंदर मजबूती के अंदर भारत का संविधान हमेशा मार्गदर्शक रहेगा।